हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस और मैं हूं आशीष सर। तो आज हम लोग क्लास 10th के सिलेबस की बात करते हैं। क्लास 10th में चूंकि क्रैश कोर्स का क्लासेस चल रहा है, आपके सिलेबस में क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जो भी सिलेबस में है, आज हम लोग ओवरऑल ग्रामर की बातें करेंगे कि ग्रामर में आपके क्लास 10th के सिलेबस में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और किस किस चीज़ पर आपको फोकस करना है। क्योंकि याद रहे कि लगभग ग्रामर के जो नंबर्स होते हैं, जो वीप्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीप्स में आपके सामने आते हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम अपनी बेसिकली चीज़ों को जाने कि जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, जिनसे हम अच्छा मार्क कर सकते हैं, जिनसे हम अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी मेरिट बना सकते हैं। तो हम आज उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th के सिलेबस में आपको मिलता है, सीधे सीधे आपको सेंटेंस पे लाया जाता है। तो सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस टाइप क्या है और सेंटेंस काइंड क्या है, आज हम लोग उसकी बातें करेंगे। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी आपके बेसिक क्लास में भी बताया था आपको, अगर आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आपके इनबॉक्स में आपके चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे वहां से चेक कीजिए और फिर से आप देखिए कि सेंटेंस क्या होता है। लेकिन हम आपके क्लास 10th के सिलेबस की बात करते हैं, तो क्लास 10th का जो सिलेबस है आपका स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपके टेंस से। टेंस में आपको क्या पढ़ना है, सेंटेंस में क्या पढ़ना है, हम उस चीज़ पर आते हैं। तो सबसे पहला आपका चैप्टर अगर आप देखेंगे क्लास 10th में, तो क्लास 10th के सिलेबस में आपका आता है सेंटेंस। सबसे पहला ऑप्शन होता है सेंटेंस, इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। सेंटेंस, सेंटेंस का मींस क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है डियर, वाक्य होता है। मैंने पहले भी बताया था सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अगर वाक्य की बात की जाए तो वाक्य के दो भाग होते हैं, एक तो सेंटेंस का प्रकार हो जाता है, एक सेंटेंस का के भाग होते हैं। तो हम आज पहले स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस के भाग को, प्रकार को हम बाद में पढ़ते हैं। उससे पहले इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आप लोग अपने आप को मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जिक कीजिए, अर्जेंटिक कीजिए, बिकॉज योर प्रोग्रेस इज टोटली डिपेंड ऑन योर ओन प्रोग्रेस, योर प्रोस्पेरिटी। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गुडविल, आपकी विलनेस ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस सिलेबस पर फोकस करना चाहते हो उस पर आपका अपना अधिकार हो। क्योंकि दूसरा आपको सिर्फ तरीका बता सकता है, चलना तो आपको स्वयं से है, हम रास्ता दिखाएंगे, फॉलो आपको करना है। एंड इफ यू विल फॉलो, दैट्स अ चैलेंज, यू विल गेट अ गुड मार्क्स एंड यू विल गेट अ गुड कमांड ऑन ग्रामर्स। सो ग्रामर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस क्या होता है गाइज, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो क्या कहते हैं हम, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह। कंसंट्रेट कीजिएगा गाइस, क्या होता है, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, वाक्य कहते हैं। फिर से माइंड कीजिए, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य हमने आपको बताया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी हमने कहा कि आपको दो चीजें पढ़नी है इसमें, वो होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के भाग, एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं हमें आज ये पढ़ना है। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, केवल ओवरऑल एक सेंटेंस के सिर्फ दो भाग होते हैं गाइस, ओनली टू पार्ट आर देयर। फर्स्ट इज नन एज द सब्जेक्ट, पहले को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आप गेस करेंगे सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है, और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है गाइस, प्रेडिकेट मतलब होता है आपका विधेय। क्या हो जाता है, विधेय। प्रेडिकेट मतलब विधेय। अब हम गेस करते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट में हमने आपको बताया क्या, कर्ता होता है, कर्ता मतलब सीधे से ऑप्शन है, अगर आप सेंटेंस के वर्ड को गेस करेंगे, वाक्य को गेस करेंगे तो खुद ही बता देता है कर्ता। कर्ता मतलब जो काम करने वाला हो, जो काम करने वाला होता है वही कर्ता कहलाता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कर्ता कौन हो जाएगा, आप हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि विधेय किसे कहते हैं, विधेय किसको कहा जाता है,
भाई कर्ता को छोड़ के वाक्य में जो कुछ आया विधेय कहलाता है, यही होता है ना। लेकिन हम इसकी डिफिनेशन क्या बताते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्या होता है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो किताब पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है। अगर आप गेस करेंगे कि मैं किताब पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं, सेंटेंस हो गया आपका कि मैं किताब पढ़ता हूं, थोड़ा सा माइंड कीजिएगा आप कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो किताब के पढ़ने का काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हो जाता हूं आपका, मैं हो जाता हूं आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही क्या कहलाता है आपका, कर्ता कहलाता है। आर यू श्योर, आई होप यू विल हैव गॉट इट प्रॉपर। हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को देख रहे हैं, वीव्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो भी है उसके साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। चलिए, हमने क्या बात किया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो कर्ता आपके सामने आ गया, कर्ता कौन हो गया, मैं हो गया। या फिर दूसरे शब्दों में, एक नॉर्मल शब्द में, आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया, सिंपल सा ऑप्शन है कि मैं सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि काम मैं कर रहा हूं, पढ़ाई मैं कर रहा हूं। और आप क्या कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि आप किताब पढ़ते हो तो आप पढ़ने का काम कर रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आप हो जाएंगे। तो कर्ता आपका क्लियर हुआ, सब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम आते हैं किस पर, प्रेडिकेट पे आते हैं। प्रेडिकेट पर आते हैं तो प्रेडिकेट क्या होता है, कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी आता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट मतलब विधेय कहलाता है। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि विधेय किसे कहते हैं, विधेय क्या कहते हैं, कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी आएगा, कर्ता को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, विधेय कहलाएगा। तो क्लियर हुआ आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको गाइस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम काम ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। ये क्रैश कोर्स का आपका जो क्लास चल रहा है, तो वो आपको आपके एग्जाम के लिए मेंटेन करने के लिए चलाया जा रहा है, और ये मेंटेन तभी हो सकता है गाइस जब आप भी इसके साथ में जुड़ेंगे, आप भी इसको पसंद करेंगे, आप इसके साथ मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपका आगे आपको ले जाने का काम करेगा। तो आप फिर से एक बार फोकस कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कर्ता और विधेय, ये कर्ता और विधेय क्या है, सेंटेंस के भाग हैं। एक कर्ता एक वाक्य के कितने भाग हो जाते हैं, सिर्फ दो होते हैं। पहला क्या होता है आपका, कर्ता होता है, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। तो कर्ता हमने क्या बताया कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो कर्ता को छोड़ के वाक्य में जो आएगा वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम आते हैं, हमारे आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा वर्ड होता है क्या, कर्ता। कर्ता को हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली गेस करते हैं, इट्स अ लिटिल वर्ड्स, कहते हैं कि काम करने वाला, जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया। नहीं गाइज, कभी भी छोटी चीज़ों को आप छोटे में आकलन मत कीजिएगा, क्योंकि हमेशा गेस कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलके एक बड़ी इमारत बनती है। कहते हैं लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप अ बिग रिजल्ट, थोड़ी उन्नति प्रतिदिन की थोड़ी उन्नति बड़ा सा परिणाम देती है। तो हमें बड़ा सा परिणाम चाहिए, ये छोटा देख करके इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोटा देख करके भी इस पर डट के पढ़ाई करना है। तो सब्जेक्ट आते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि हाउ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लें कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई मैं तुम हम वह यही तो आपके सब्जेक्ट होते हैं। नहीं गाइस, ये तो सब्जेक्ट आपके है ही, लेकिन इनके साथ भी कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, तो वो भी आपके सब्जेक्ट के थ्रू आते हैं, आपके सब्जेक्ट में ही आते हैं। तो हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम किस चीज पर, किस चीज पर आते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पर। आप लिख सकते हैं इसका कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट।
आप गेस कीजिए कि भैया कर्ता तो एक ही होता है, मैं हो जाऊं, तुम हो जाओ, वे हो जाए, हम हो जाए, तो ये दो पार्ट्स कहां से बन गए? दो कहां से बने? मैं आपको दिखाता हूं दो कहां से बनते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट हमेशा दो होते हैं। पहला क्या हो जाता है आपका, हम इसको बोलते हैं क्वालिफायर। क्या बोलते हैं? क्वालिफायर। और दूसरा आपका हो जाता है क्या, हेड वर्ड। हेड वर्ड, इस हेड वर्ड को गाइज हम मेन वर्ड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ड भी बोलते हैं। तो आप गेस कीजिएगा, चाहे हेड वर्ड हो चाहे मेन वर्ड हो, दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? मुख्य कर्ता होता है। क्या होता है? मुख्य कर्ता। मुख्य कर्ता का मतलब जैसे किसी का नाम हो जाए, मैं हो जाए, तुम हो जाए, वे हो जाए, तो ये मुख्य कर्ता होते हैं। क्या मैं को दो भागों में बांटा जा सकता है? आपको दो भागों में बांटा सकता है? नहीं बांटा जा सकता ना। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं? मुख्य कर्ता के रूप में लेते हैं। इसलिए मुख्य कर्ता किसे कहते हैं? जब मुख्य कर्ता की बात हो जाए तो उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता। लेकिन यहां क्वालिफायर की बात कर ली जाए तो क्वालिफायर किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि ये नया वर्ड कहां से आ गया, ये क्वालिफायर कहां से आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्वालिफायर किसे कहते हैं। क्वालिफायर क्या होता है? जब मुख्य कर्ता से पहले केवल एक शब्द आ जाए, इस मुख्य कर्ता से पहले यदि एक शब्द आ जाए तो वही क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है। मतलब कर्ता की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड यूज हो जाता है कर्ता से ठीक पहले, वही क्या कहलाता है? आपका क्वालिफायर कहलाता है। इज दैट क्लियर? हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया। अगर आ गया है तो मैंने आपको बताया ना कि आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी पढ़ाइए, लोगों को बताइए कि आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपके लिए सॉलिड चीजें हैं। तो अब आपका हेडवर्ड और क्वालिफायर दो चीजें हुआ। अब यहाँ हेडवर्ड को मैंने बताया कि मुख्य कर्ता को बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन क्वालिफायर को बांटा जा सकता है। क्वालिफायर को बांटा तो जा सकता है। मैंने आपको बताया कि क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं नॉर्मली, इस पर आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है तो हम बहुत लंबा वर्णन नहीं करेंगे, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे आपको, इसका बहुत वर्णन नहीं बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि क्वालिफायर के अंडर में तीन चीज़ें आती हैं। क्वालिफायर के अंडर में तीन चीज़ें आती हैं। अब क्या आता है, क्या हो सकता है बताइए गाइस? सबसे पहला होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर और दूसरा हो जाता है आपका एडजेक्टिव और तीसरा आपका हो जाता है क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है गाइस, आप गेस कर लीजिए सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा क्या होता है? हेड वर्ड। पहला होता है मुख्य कर्ता, उसके साथ में जुड़ता है क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। हेड वर्ड का मतलब किसी का नाम, मैं, तुम, हम, वे, ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्वालिफायर कहलाते हैं, सॉरी हेडवर्ड कहलाते हैं। तो हेडवर्ड का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन क्वालिफायर के कितने पार्ट हो जाते हैं? तीन होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये आपके पार्ट किसके होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। एक बार रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रेम से पढ़ो, डिप्रेशन से फ्री होकर पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। डिप्रेशन में रह के पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आना है, इसलिए सबसे पहले तनाव मुक्त हो जाओ। तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करोगे, कम पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, सॉलिड रहेगा। लेकिन जितना पढ़ो एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, आपको लगना चाहिए कि यू कैन डू बेटर, नो वन कैन डू बेटर टू यू, ऑलवेज थिंक ऑफ दैट यू आर सुपीरियर पीपल, यू कैन डू द बेस्ट। सो बेस्ट की तलाश में बेस्ट करना है तो सबसे पहले एनर्जिक हो जाओ, ऊर्जावान हो जाओ, शक्तिमान हो जाओ। चलिए आते हैं हम लोग क्या, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्या, क्वालिफायर, दूसरा क्या होता है? हेडवर्ड। अब क्वालिफायर के कितने पार्ट हो जाते हैं? तीन। कौन सा होता है? डिटरमिनर, फिर क्या होता है? एडजेक्टिव, उसके बाद क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज। तीनों चीजें क्लियर हुई। अगर आप इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो हम सबका मिला करके आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसे डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट का इतना लंबा डायग्राम बनता है, इतना लंबा प्रोसीजर होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए माई एल्डर
ब्रदर इन मुंबई इज ए डॉक्टर. ठीक है. द ओल्ड लेडी ऑन रोड वॉज ब्लाइंड. ठीक है. नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट, मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रख दिया है. अगर इसमें कह दिया जाए कि आप सब्जेक्ट को चूज कीजिए, तो मोस्टली हमारा आपका फोकस कहाँ जाता है? ब्रदर और लेडी पर. क्यों? कि भाई की बात की जा रही है और यहाँ महिला की बात की जा रही है. जब हम महिला और भाई की बात करते हैं तो हम इसी को सब्जेक्ट समझ लेते हैं. नहीं गाइस, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम कह सकते हैं हेड वर्ड. यह मुख्यकर्ता है. मुख्यकर्ता क्यों है? क्योंकि इसी की बात पूरे में की जा रही है. जैसे दिया गया माई इल्डर ब्रदर. ठीक है. भाई कैसा है? इल्डर है. इल्डर माने क्या होता है? बड़ा होता है. बड़ा भाई है किसका? मेरा. तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरा बड़ा भाई. मेरा बड़ा भाई क्या है? इन मुंबई में. मुंबई में. इन मुंबई. उसके बाद क्या है? इज ए डॉक्टर. अगर इसको आपको अलग करना हो कि इसमें से हम क्या करें, डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, हेडवर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, तो अगर हम इन चीजों को अलग करना चाहें तो हम बना सकते हैं. ये आपका क्या हुआ? हेड वर्ड. हम इसको मेन वर्ड कहते हैं ना. तो यम डब्ल्यू मेन वर्ड. मेन वर्ड क्लियर हुआ. अब उसके बाद क्या है? हमने क्या बताया था कि मुख्यकर्ता से ठीक पहले प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है. क्वालिफायर को ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. तो एडजेक्टिव हो गया ये आपका. एडजेक्टिव हो गया. अब उसके बाद क्या है? उससे पहले भाई कैसा है? मेरा बड़ा है ना. तो बड़ा है तो बड़े के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा. ठीक है. ये डिटरमिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हुआ और ये मेन वर्ड हो गया. और उसके बाद कहाँ पर है? मुंबई में. मुंबई में है ना. तो मुंबई आपका क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया. ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिवल फ्रेज. अब इसके अलावा आपका चारों चीज हुआ ना, हेड वर्ड, एडजेक्टिव, डिटरमिनर और एडजेक्टिवल फ्रेज. चारों चीजें क्लियर हुई. तो जो कुछ बाकी बचता है वो क्या कहलाता है आपका? प्रेडिकेट कहलाता है. ये क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. अब अगर आप चाहो तो इसे ग्राफ में अलग कर दो. हो गया. ठीक है. सारी चीजें क्लियर हो गई. देखिए, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, बाकी जो बचा हुआ प्रेडिकेट. चारों क्लियर हो गया ना. दिस इज द कॉल्ड सेंटेंस. यही सेंटेंस का एक्सेप्शन है. हम आप एक छोटे से एग्जाम्पल में, एक छोटे से डिफिनेशन में चले जाते हैं कि क्या होता है शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है. अब कोई वाक्य की क्लासिफिकेशन पूछ लेता है तो हमें प्रॉब्लम होती है. तो आई होप कि आज आपने अपनी उस समस्या को, अपने उस डाउट्स को क्लियर कर लिया होगा. तो चलिए अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे. जैसे आपने गाइस यहाँ पे पढ़ा सब्जेक्ट के पार्ट्स, वैसे ही आपको जानकारी के लिए बताते चलूं कि प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं. सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से? क्वालिफायर और हेडवर्ड. हेडवर्ड के कोई पार्ट्स नहीं होते, लेकिन क्वालिफायर के तीन पार्ट्स होते हैं. तीनों आपने पढ़ा, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज. उसी तरह से अगला पार्ट होता है प्रेडिकेट. क्या होता है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मतलब क्या हो जाता है भैया? विधेय हो जाता है. क्या होता है? विधेय. विधेय किसे कहते हैं? हमने आपको बताया कि कर्ता को छोड़ के वाक्य में जो कुछ भी आता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है. इज दैट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, दैट्स गुड. चलिए अब प्रेडिकेट की बात की जाए कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं. जब एक छोटा सा कर्ता था जो काम करने वाला है, उसके इतने पार्ट निकले, ये तो ढेर सारा होता है ना भाई. चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. इसके तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो होता है आपका वर्ब. वर्ब माने तो आप जानते ही होंगे, है ना? जानते हैं ना. तो क्या होता है वर्ब माने? वर्ब माने होती है क्रिया. क्रिया किसे कहते हैं? भाई जो कार्य किया जाएगा आपके द्वारा वही क्रिया कहलाएगा. क्रिया हो गया. उसके बाद क्या होता है? कहते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म. तो उसके बाद आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट. क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाता है भैया? आता है कॉम्प्लीमेंट. क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट. आप गेस कीजिए, सब्जेक्ट के सिर्फ एक ही पार्ट था लेकिन उसके इतने सारे निकले थे. प्रेडिकेट के कितने पार्ट निकले? तीन.
एक तो हो गया वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है भैया? पूरक। इसका अर्थ होता है पूरक। पूरक का मतलब क्रिया और कर्म को छोड़ करके, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ करके। लीव टू वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी वाक्य में बचता है वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं। तो चलिए अब इसको नॉर्मली जान लीजिए, इसके भी पार्ट होते हैं, इसके भी पार्ट होते हैं, इसका कोई पार्ट नहीं होता, क्योंकि जितनी बची हुई चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि जो जो छूटा फूटा पड़ा रहता है वो मालिक के हिस्से जाता है ना, तो ये मालिक वाला काम करता है, जो टूटा फूटा अर्तन बर्तन पड़ा है सबको इकट्ठा कर लेता है ना। तो ये क्या हो जाता है? ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है, इसके साथ में कोई पार्ट नहीं होता, ये खुद में परफेक्ट होता है। ये कहता है कि हम अकेले ही चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में है ना। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम वर्ब और ऑब्जेक्ट, जान लीजिएगा, पढ़ाना नहीं है आपके सिलेबस में, यहाँ पढ़ना नहीं है आपको। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? आपको आपके वर्ब में सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ने हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जबकि वर्ब होते चार हैं। तो ये चीज़ें आपके किस में आती हैं? प्रेडिकेट में आती हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग किसकी तरफ चलेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स माने क्या होता है भैया? अगर आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो हेडिंग या पॉइंट बना के लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। क्या हो जाता है भैया? वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार होता है। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कह सकते हैं देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। पांच कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। पहला हो जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड क्या होता है आपका? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा आपका हो जाता है भैया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके गाइस, क्या हो गया? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कह सकते हैं? विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। उसके बाद क्या है? इस्लामेटरी। इस्लामेटरी मतलब विस्मय। विस्मय का तात्पर्य आप जानते हैं, बाकी चीज़ें तो आपके वर्ड से क्लियर हो रही हैं, लेकिन ये विस्मय क्या होता है? विस्मय मतलब क्या होता है? अचानक से जो आपके मन में भावनाएं उठे, अचानक से जो तीव्र इच्छाएं आपके मन में उत्पन्न होती हैं, वो आती हैं किसके थ्रू? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के थ्रू। जैसे सपोज आप जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, अचानक में आपके सामने कोई इवेंट हो गया, किसी को चोट लग गया, आप उससे परिचित नहीं है, लेकिन उसे देखते कहते अरे यार उसको बहुत लग गया है। तो ये अचानक से जो फीलिंग आपके मन में आई, जो अचानक से भावनाएं आप में उत्पन्न हुई, वो किसके थ्रू आ जाती हैं? एक्सक्लामेटरी के सेंटेंस के अंदर में आती हैं। ठीक है, इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है? विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। अब गाइस, आप एक छोटे छोटे वर्ड में चलिए, एक एक लाइन के डिफिनेशन को देखते हुए चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव। ठीक है, अब आ जाइए इसको देख लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस को, फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं क्या होता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव। अब आते हैं असर्टिव सेंटेंस,
असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? विधि सूचक वाक्य होती है। भाई सिंपल सा आपसे है कि अगर विधि आ रही है तो प्रकार भी हो जाते हैं। जब विधि की बात होती है तो हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सूचना हमें दो तरीके से मिलती है, या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ में आता है तो यस बोलते हैं, ना में आता है तो नो बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के स्टेटमेंट दो प्रकार से आते हैं। एक तो या तो आपके पॉजिटिव वर्ब में आएंगे या तो फिर नेगेटिव वर्ब्स में आएंगे। अगर पॉजिटिव वर्ब्स की बात की जाएगी तो असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन पे फिर से फोकस कर लीजिए। क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं। आप गेस कीजिए कि हमें सूचना किस तरीके से मिलेगी, या तो हाँ में मिलेगी या ना में मिलेगी। इसलिए हम अगर चाहें तो कह सकते हैं काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस की अगर बात कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? जिसे आप कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं आप। और दूसरा आपका क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। ठीक है, गेस कीजिए। अफर्मेटिव मतलब जिसे आप क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। तो उसके बाद निगेटिव किसे कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, दो तरीके हो गए। एक तो साधारण वाक्य हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका? नकारात्मक वाक्य हो गया। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिससे सकारात्मक सूचना प्राप्त हो वही क्या कहलाता है? सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जिससे नकारात्मक सूचना प्राप्त हो वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो डिफिनेशंस क्लियर हुए। अगर आप चाहो तो एक एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। ठीक है, अब यहाँ गेस कीजिए। ही प्लेज क्रिकेट विथ मी, वह खेलता है क्रिकेट में साथ मेरे। वह खेलता है क्रिकेट साथ मेरे, अर्थात वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस यही हो गया ना, वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। तो सूचना क्या मिल रही है? कि मेरे साथ खेलता है। इसमें ना नुकुर नहीं हो रही है। वो ना और क्यों कब कहाँ कैसे नहीं पूछ रहा है, बता दे रहा है कि मैं मेरे साथ में क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी को निगेटिव में बदल दें तो क्या हो जाएगा? कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। जब वह नहीं खेलता है तो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलता। अगर इसी को कहा जाए तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट क्या करता है? प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब ये दोनों चीजें आपकी किसकी हैं? असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। फिर से देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक क्या होता है? अफर्मेटिव। दूसरा क्या होता है? निगेटिव। अफर्मेटिव को हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। जिससे सकारात्मक सूचना प्राप्त हो उसी को हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिससे नकारात्मक सूचना प्राप्त हो वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। अगर इंग्लिश में आप डिफाइन करोगे तो क्या बताओगे? When any kinds of negative and interrogative word will not come in the sentence, then we shall know it is affirmative sentence. जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। निगेटिव की बात करें तो when any kinds of negative word will come in the sentences, then we shall know it is negative sentence. चलिए अब दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था, हम उस पर चलते हैं। दूसरा सेंटेंस था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो इंट्रोगेटिव मतलब आपको पता है ना क्या होता है? भाई ये सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दे रहा है, आपसे हमला कर दे रहा है, आप पे आपको कुछ बताना पड़ेगा। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सवाल कर रहा है, आपको जवाब देना होगा। यानी कि इसका अर्थ हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं।
अब आ जाइए प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य का अर्थात होता है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। लिख सकते हैं अ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह प्रश्न, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए अब प्रश्नवाचक वाक्य में आ गए तो अगर आता है यहाँ पे कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका क्या हो जाता है? यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड, यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। दूसरा हो जाता है डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। ओके गाइस, डब्ल्यू एच टाइप और यस ना, यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए, यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड, दूसरा हो गया डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। दोनों पे फोकस कर लेते हैं। क्या होता है? जिस प्रश्न का हम उत्तर यस या नो में दे सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्या आप खाते हो, तो सिंपल सा ऑप्शन है, अगर खाते हैं तो बताएंगे हाँ, नहीं खाते हैं तो बोल देंगे नहीं खाते हैं। भाई नहीं खाते हैं तो मतलब नहीं खाते हैं, जब नहीं खाते हैं तो निगेटिव और खाते हैं तो पॉजिटिव। पॉजिटिव में आ गया तो हम कहते हैं हाँ खाते हैं, और नहीं तो नहीं खाते हैं तो बोलते नहीं। अब हमें इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं तो बोलते नहीं खाते हैं, हाँ काम खत्म हो गया। अगर कहा जाए क्या आप नहाते हो तो बोलते हैं हाँ, काम खत्म हो गया ना। लेकिन इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। अब बचता क्या है आपका? डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन बना रहे डब्ल्यू एच टाइप, क्या होता है डब्ल्यू एच टाइप? कहाँ से नया नया वर्ड निकल रहा है भाई, नए नए प्रश्न आगे खड़े हो जा रहे हैं कि डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्या है। डब्ल्यू एच टाइप का तात्पर्य क्या होता है? कि लीव टू हाउ, केवल एक वर्ड आपको छोड़ दीजिए, कौन सा? हाउ। इसको नोट मत कीजिएगा, समझने के लिए लिख रहा हूँ। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। सिर्फ इस वर्ड को छोड़कर आप कोई एक वर्ड ऐसा बताओ जिस क्वेश्चन वर्ड में डब्ल्यू और एच साथ साथ ना आते हो। है ऐसा कोई? आई थिंक नहीं है। क्यों? व्हाट, डब्ल्यू एच ए टी वाई, डब्ल्यू एच वाई व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन वेयर, डब्ल्यू एच ई आर। ठीक है, तो जब भी आप शुरू करते हैं तो डब्ल्यू एच से ही वाक्य शुरू होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। अब डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है? कि जिस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता पड़े उसे हम क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जिस प्रश्न का जवाब देने के लिए अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता पड़े उसे डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। चलिए दो चीजें क्लियर हुई, डब्ल्यू एच टाइप और यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। अब यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं कहां पर? आपका इंपरेटिव सेंटेंस था, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन सेंटेंसेस के कोई पार्ट नहीं होते हैं, इन सेंटेंस के कोई पार्ट नहीं होते हैं, तो क्या हो जाता है? ओके गाइस,
अगला सेंटेंस था आपका इम्प्रेटिव सेंटेंस। इम्प्रेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर इज कॉल्ड इम्प्रेटिव। वह वाक्य जो क्या करता है, आदेश देता है, आज्ञा देता है, उसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये होता है इम्प्रेटिव सेंटेंस। जैसे आपसे कहा जाए कि बस को रोको, तो क्या कहेंगे आप? स्टॉप द बस। तो जब ये ऐसे वर्ड आ जाते हैं जहाँ पर हम कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे चीज़ों के साथ में हम किसका यूज करते हैं? इम्प्रेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और ये इम्प्रेटिव सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में भी मिलने वाला है। कोई भी सेंटेंस जो आपको पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी है, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप इन्हें पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, आप इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ेंगे। इसलिए इन सेंटेंसेस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सेंटेंस आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। चले, इम्प्रेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश प्रे और ब्लेस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद का भाव प्रकट करे वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे क्या कहते हैं आप? मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या करें? दीर्घायु करें। या फिर मे यू लिव लॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, विथ ए सन। आप कहते हैं ना कि भगवान आपको पुत्र रत्न प्रदान करें। जैसे किसी पंडित जी से मिलते हैं, किसी महात्मा से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो लोग आशीर्वाद में क्या करते हैं कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको आशीर्वाद दे देते हैं। तो उन्होंने कहा, भैया आपको भगवान पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएं। गांव में आप देखते हैं दादी लोगों का पैर छूने जाइए जो सर, तो वो क्या करती हैं कि भैया दूधो नहा पोतो फलो। तो ये जो वर्ड्स आ जाते हैं वो किसके थ्रू आ जाते हैं? आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू आ जाते हैं। तो ऑप्टेटिव भी क्लियर हो गया। चलिए, एक लास्ट सेंटेंस बचता है आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे आते हैं। तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी। ठीक है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड क्या हो जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जो हृदय की तीव्र इच्छाओं को, तीव्र भावनाओं को व्यक्त करे उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है। तो गाइस, आज आपने रिवीजन किया किस चीज़ का? सेंटेंस का। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स एंड पार्ट्स बोथ यू हैव रीड इट ऑल वेल एंड डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो 5 सेंटेंसेस हैं आप इन्हें ऑर्डिनरी मत लेके चलिएगा, बिकॉज यू वांट टू कंप्लीट योर ग्रामर्स, देन दीज आर कंपल्सरी। दीज आर जस्ट लाइक अ फाउंडेशन ऑफ अवर बेसिक ग्रामर्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर्स, देन दीज आर जस्ट लाइक अ फाउंडेशन ऑन विच वी कैन टाई अप एनी लॉन्ग बिल्डिंग, स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज वी कैन बिल्ड इट अप। सो दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर्स। तो इससे हम अभी आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आपको पढ़ना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको पढ़ना है क्या?
डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद आप नरेशन पढ़ेंगे, तो ये तीन चीजें बेसिकली आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इन तीनों चीजों से पहले हम आपको कल फोकस कराएंगे रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग क्या होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, कैसे आप उस सेंटेंस को अरेंज करेंगे गाइज, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। बट अलॉन्ग विद दैट थिंग्स, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द क्लास एंड यू आर एंटरटेनिंग योर क्लास and your syllabus, then definitely you must have to subscribe the channel, and along with that things, just like it and share it, and always try to share with your friends and ask to them to get the good marks in examination. Come at the top 10 classes and watch that videos. We are always standing with you in pain and pleasure. But along with that things, if you are getting us, then give your reaction. So that is depend on your comment box. Just send your reaction if you are getting. If you have any doubts, just send the messages. We will think about that and we will try to make you satisfy. So along with that things, I would like to say goodbye, good afternoon, and just take care of yourself and mind your study. That's all, and good night too.